दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी ने 26 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश में सरकारी सेवक हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ा के अब 65 वर्ष करने का एक प्रस्ताव रखा गया है। बाद में कुछ फील्ड्स लाइक मेडिकल और हायर एजुकेशन, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका ऑलरेडी 65 ईयर्स अधिवार्षिकी है और रिटायरमेंट की एज है। तो बाद में दूसरी तरफ देखिएगा कि जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स के हैं जो मैक्सिमम तादाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अधिवार्षिकी आयु और रिटायरमेंट की एज 62 साल है, तो उसको बढ़ा के 65 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ टाइम पहले कुछ कर्मचारी यूनियन ने इसकी मांग रखी थी कि आप रिटायरमेंट की एज इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ हम आपको एक और बात बता दें, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या हो जाती है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज तो हैं, खाली हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी का हवाला देते हुए बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काफ़ी सारी पोस्ट खाली हैं और अगर ये लोग रिटायर हो जाते हैं तो सरकार का काम प्रभावित होगा। पहली बात ये रखी गई है। दूसरी बात ये भी रखी गई है कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं लाइक कुछ फील्ड्स हैं लाइक मेडिकल फील्ड, अगर वहाँ पे 65 साल रिटायरमेंट की एज है तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, तो ये कुछ बातें रखी गई हैं। दूसरी तरफ देखिएगा है क्या, अभी एक पत्र रिलीज किया गया और बोला गया गवर्नमेंट ऑफिसेस में जितने भी रिक्त पद हैं आप उन सब का इन्फॉर्मेशन दीजिए क्योंकि उस पर बहुत जल्द भर्ती होने वाली है। दूसरी तरफ जो यूनियन है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं एक्चुअली, और जो संविदा बेस पे हैं, जो अस्थाई कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग जितने भी हैं, ये सभी डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें अस्थाई करिए, आप हमें रेगुलर कर दीजिए। और दूसरी तरफ कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनका विरोध कर रहे हैं कि आप इन पे भर्ती करिए बजाय कि आप रेगुलर करिए। तो देखिएगा एक सिचुएशन, एक परिस्थिति कैसी क्रिएट हुई है। सिचुएशन परिस्थिति ऐसी क्रिएट हुई है कि यदि सरकार या फिर यदि इन फ्यूचर 62 से अगर 65 साल का एज लिमिट किया जाता है रिटायरमेंट का, तो कहीं ना कहीं जो पेंशन अभी पा रहे हैं तो उनको वो ज़्यादा सैलरी सरकार को उनको देना पड़ेगा, पेंशन भी उनको उतना ज़्यादा बनेगा क्योंकि रिटायरमेंट की एज अगर बढ़ेगी। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कोई भी अभी NPS वाला नहीं है जिसकी अभी एक्सटेंशन होगा 62 से 65 और उसको कोई पेंशन का प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि 60 और 62 साल सर्विस करने वाले जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं और ऑल जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी OPS में फॉल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप जितनी ज़्यादा सर्विस अगर आप रेंडर करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो उतना ज़्यादा आपको पेंशन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ अगर आपको बेरोज़गारी कंट्रोल करना है, रेगुलर भर्तियाँ करना है, तो और रेगुलर अगर भर्ती करना है बजाय कि आप आउटसोर्सिंग कराओ, तो आपको जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ाना नहीं चाहिए। और काफ़ी सारे जो यूनियन हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो रिटायरमेंट की एज अप्रॉक्स 50 ईयर्स, अगर 50 साल भी है तो दिस इज़ इनफ। उसके बाद अगर आप पेंशन, फुल पेंशन पाने का अगर आप ड्यूरेशन कम कर देते हो तो एक ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। देन उसके बाद काफ़ी सारे बार बार रिटायर होंगे, जल्दी जल्दी रिटायर होंगे एंड जल्दी जल्दी आप वैकेंसीज आप आउट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ती है देखिएगा, तो जो बेरोज़गारी की समस्या है या फिर ये जो बोल दिया जाता है कि हम 1 लाख सर्विस गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल भरी बात होगी। और दूसरी बात यह है कि जो अभी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं उसमें मेन जो एक दिक्कत आ रही है यही आ रही है कि जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो आउटसोर्सिंग के हों, चाहे वो संविदा कर्मचारी हों, चाहे वो कोई भी हों, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट इन पदों पे किसी की सीधी भर्ती करो, बल्कि आप हमें नियमित कर दो, रेगुलर कर दो। तो देखिएगा आगे आने वाले दिन में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ दिखने वाला है। जो भी हो दोस्तों, हम आपके सामने अपडेट्स लाते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। धन्यवाद।